दोस्त, क्या हाल चाल? अरे कुछ नहीं यार, चोर समझकर एक आदमी को इतना मारा कि वो नदी के किनारे मरा पड़ा है। मुझे तो उसका वीडियो आया, सोशल मीडिया पर भी उसका वीडियो वायरल हो रहा है। लोग आजकल बिना जाने बूझे किसी को भी मार देते हैं। आखिर हुआ क्या तुझे? अरे महेश! अरे कोई मेरी मदद करो! महेश, महेश उठ महेश! अरे क्या हो गया मेरे यार को? ए, सुनो, ये यहाँ क्यों पड़ा है? भाई जरा मेरी मदद कर दो भाई, प्लीज। चल बेवकूफ, कहीं के शराब पी के कहीं भी गिर पड़ते हैं, खुद तो मरते हैं दूसरों को भी मारते हैं। चल तुम लोगों को तो जिंदा ही नहीं रहना चाहिए। भाई किसी के बारे में जाने बिना मुंह से गलत बात निकालना अच्छी बात नहीं होती है भाई। क्यों बे, तूने खुद मार दिया और अभी नाटक कर रहा है? सोच समझ कर बात करो और अपनी आवाज नीचे रखो। ए, तुम इसके बारे में जानते ही क्या हो जो आखिर ऐसी बातें कर रहे हो? हा? क्या तुम्हें पता है एक समय ऐसा भी था जब इसका नाम सुनकर पूरा एरिया कांप उठता था। एक बात याद रखना, किसी की जान जाने का कुछ भी कारण हो सकता है, ये किसी से नहीं डरता है, ये अकेला 100 के बराबर है। ये वही टार्जन है। हैं? टार्जन? इसका नाम तो नहीं सुना है। ओ, भोजपुरी पिक्चर का हीरो होगा। नहीं, अंडरवर्ल्ड का हीरो था 5 साल पहले। नमस्कार। क्या बात है मल्लिकार्जुन जी? सर आप इतने सालों से इस पद पर हूँ और अचानक जो आपने फैसला लिया है उससे मैं बिल्कुल सहमत। एक मिनट, इतने सालों से तुम लोगों की सेवा करने के लिए कुत्ते की तरह मेहनत की है लेकिन ये बात आपके सीएम को समझ ही नहीं आ रही। सर इस बात को लेकर आप पार्टी छोड़ देंगे तो? अरे देखिए, कोई भी पार्टी हो, मैं जो चाहता हूँ वो है पद। मुझे पद और अधिकार उस पार्टी में मिलने वाले हैं, इसलिए मैं ये पार्टी छोड़ रहा हूँ। सर फिर भी आप एक बार सोच लो ना। देखिए उस पार्टी में लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे अर्जेंट जाना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ आप लोग भी मेरे साथ चलिए। सर, क्या हो गया सर? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हेलो। हाय। बोलो। हाय, लगता है आप गलत कर रहे हो। ए, देख तू अभी एमएलए कृष्णप्पा के बारे में नहीं जानता, जब उस पार्टी में चला जाऊंगा ना तब समझ आएगा। भाई एक और बार सोच लीजिए। सुन, मैंने सोच समझ कर ही फैसला लिया है, अभी फोन रख। रख फोन। सुन कौन है वो जो बीच सड़क पर चल रहा है? गाड़ी रोक और उसे समझा। ए, कौन हो तुम? ए, साइड में चलो, सुनाई नहीं देता क्या? जैसा सोचा था वैसा ही हो गया। वो चित्रा जोड़ी मेरे हाथ आ गया तो पूरा मार्केट मेरे हाथ में आ जाएगा। भाई हा? लगता है वो टार्जन ने पहले आके डील फिक्स कर दी है। टार्जन, टार्जन, टार्जन! जहां भी हाथ मिलाऊं वहां टार्जन, जहां भी पैर घुसाऊं वहां टार्जन। हर जगह अगर उसका नाम होगा तो मेरा क्या होगा? यहां मेरा राज होना चाहिए। मुझे यहां पर अकेले ही राज करना है, समझे तुम? नहीं तो जब मेरा दिमाग खराब होता है ना तो भूचाल आ जाता है। उसे अच्छे से सबक सिखाना होगा, अब सिखाना पड़ेगा। ए, रुको नहीं। हाँ भाई, तू उधर जाके देख।
तू मेरे साथ आ। इस तरफ। मिला क्या? मारो से। ए टार्जन, मैं जहां कहीं भी जाता हूं, किसी से भी डील करता हूं, तू बीच में आ जाता है, ऐसा मत कर। ए, जैसे एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, वैसे ही इस इलाके में दो शेर नहीं रह सकते। अगर ऐसा है तो ये इलाका तेरा है या फिर मेरा, ये आज डिसाइड हो जाएगा। ए, ये इलाका भी मेरा है और ये गेम भी मेरा है। याद रख सत्या, धर्मलरू के मामले में आज के बाद टांग मत अड़ाना। धर्मलरू एस्टेट आज से। लग रहा है किसी जंगली को देख लिया तुम लोगों ने। लो आचार चाटोगे? अरे और क्या, ये सूरज समझा इसको ठीक से समझा। तुम जैसे गधे को अपने साथ बिठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी हमने। हमारे ही सामने पैग पे पैग मारकर स्वर्ग का आनंद तुम अकेले ही लोगे? अरे हमें कब दिखाओगे स्वर्ग का दरवाजा? अच्छा ऐसी बात है क्या? स्वर्ग का दरवाजा देखना चाहते हो तो सिक्स फीलिंग्स होनी चाहिए। चार चार के बैठ जाओगे, इधर सिक्स फीट है। ऊपर से एक से खूबसूरत सुंदरियां मंच में आकर कहकर बुलाती है कि शाम को आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे हमें भी तो दिखाओ ना मामा। अरे रे, अरे स्वीट ना भाव खा रहे हो, दिखा दो ना। अरे मैं तो खुद उनसे मिलने के लिए तड़प रहा हूँ, मैं क्या करूँ। मामू ये तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है, बचा दो ना सीटें। क्या ऐसा है क्या? ठीक है फिर मैं थोड़ा चाट लेता हूँ। हाँ चाट लो। मुझको जान लो, मोहिनी हूँ मैं, सागर की लहर चांदनी हूँ मैं। जाने हर गली मैं नंबर वन हूँ, मैं सबके लिए दिल की धड़कन हूँ। साथ मेरे साथ आओ नाचो गाओ तुम, हुस्न के भंवर में अब डूब जाओ तुम। मस्ती का समा है, समय जी भर मस्ती लुटाओ तुम।
आजा आजा साथ में रे दिल बहला जा और राजा चल आजा आजा साथ में रे दिल बहला जा सोचता है राजा ना सोचना तू ऐसा हाथ में आ जाऊंगी नहीं सोचना मैं हुस्न की अदा हूँ मैं ड्रिंक का नशा हूँ देखना हो तो देख जादू मेरा मुझको तू जाने ना यारो का यारा हूँ मैं हर दिल पे जो राज करे वो ही रुद्रा हूँ मैं मुझको अगर तुम जानना चाहो जाने हर गली मैं नंबर वन हूँ सबके लिए दिल की धड़कन हूँ सबसे अच्छा हूँ जी दिल मेरा आशिक है पर थोड़ा बच्चा है जी हाँ तुझको अपना मान भी लूंगी तू भाया तो जान भी दूंगी जाने हर गली मैं नंबर वन हूँ मैं सबके लिए दिल की धड़कन हूँ हाँ साथ मेरे साथ आओ नचो गाओ तुम हुस्न के भंवर में अब डूब जाओ तुम मस्ती का समा है समय जी भर मस्ती लुटाओ तुम ओर राजा चल अच्छा आजा साथ में रे दिल बहला जा ओर राजा चल अच्छा आजा साथ में रे हाँ दिल बहला जा सर मुझे छोड़ दीजिए सर मुझसे गलती हो गई सर सर मैं हाथ जोड़ता हूँ सर जाने दीजिए सर सुमा सर चेहरे पर ठीक से मुझे भी नहीं आई और तुझे फील्ड में अपना नाम बनाना है हाँ सर मैं आपसे किसी से पंगा नहीं लूंगा सर छोड़ दीजिए पंगा तो तब लेगा ना जब मैं तुझे जिंदा छोड़ूंगा सर मुझे छोड़ दीजिए सर गुंडागर्दी करने वालों के लिए मेरी तरफ से ये यमराज का प्रसाद है तेरे जैसे कीड़ों को जड़ से उखाड़ना जरूरी है गाइस दिस इज नॉट अ गन This is law and order. This is death penalty. गुंडागर्दी मुझे बर्दाश्त नहीं ए बिजी आजकल बहुत बिजी है क्या ऐसा कुछ भी नहीं है टार्जन भाई ये ले रख थैंक्स टार्जन भाई अरे इसमें थैंक्स की क्या बात है तू मेरा दोस्त है तेरी फैमिली मेरी फैमिली जरूरत में दोस्ती तो काम आते हैं और अपने दोस्तों के लिए मैं जान भी देने को तैयार हूँ अब तू जा और धूमधाम से अपनी बहन की शादी कर और अगर पैसे कम पड़े तो बिंदास मुझे फोन कर ले तेरा जिगरी दोस्त संभाल लेगा ठीक है चल मिलता हूँ हाँ ठीक है सभी दोस्तों को बुलाना शादी में थैंक्स टार्जन भाई तुम्हारे इस एहसान को मैं कभी नहीं भूलूंगा पुलिस स्टेशन सर यहाँ पर एक जली हुई बॉडी मिली है सर ऐसा है हाँ सर कहाँ यहाँ चन्नमपल्ली में सर ठीक है मैं अभी आता पीछे हटो पीछे हटो पीछे हटाओ सबको हटाओ हटो हटो दूर हटो साहब अच्छा पता नहीं चला यार
हेलो हेलो किधर? एमएलए कृष्णप्पा के घर से आ रहा हूँ। आई एम ऑन द वे, प्रोसीजर स्टार्ट करो। सर, खून करने के बाद बॉडी को जला दिया इन्होंने। आग देखो, ये देखो, यहाँ से आग लगाई थी सर। बताओ सर, आपका अंदाजा बिल्कुल सही था सर। ये एमएलए कृष्णप्पा की ही बॉडी है। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर जो जंक्शन है, वहीं इनकी गाड़ी मिली है सर। ओके। ये चेन और अंगूठिया इन्हीं की थी सर। घर वालों ने पहचान भी कर ली है। ठीक है, गुड, रखो। एक्सक्यूज मी ऑफिसर। यस सर। इसके बारे में कोई सुराग नहीं? वो तो पता नहीं सर, लेकिन बॉडी को जलाने के लिए किसी केमिकल या पेट्रोल का इस्तेमाल किया गया है। अभी सिर्फ मैं इतना ही कह सकता हूँ। कोई और क्लू मिला आपको? जलाने से पहले चाकू से भी मारा गया। इसे कब तक आइडेंटिफाई कर पाएंगे? We need some time, sir. I want to know about it. करते हैं सर, जल्दी करते हैं। Okay. नमस्ते मैडम। नमस्ते। हम आपके साथ हैं। मेरा पति। आपने जो आइडेंटिफाई किया है, आई मीन ये आपके पति ही? हाँ, मेरे पति ही है, मैं जानती हूँ। ओके। देखिए, आप घबराइए मत, हम पता लगा लेंगे कि ये किसने किया है। आप भी हमारे साथ दीजिए। जी सर। अरे बहुत भड़के रहे ऑफिसर। सर, यहाँ कोई वेपन मिला तुम्हें? नहीं सर, हमने ये इलाका चेक कर लिया, कोई वेपन नहीं मिला। इनकी चेन और अंगूठियों के अलावा कुछ नहीं मिला। एंड वन मोर थिंग, इनके ड्राइवर ने तुम्हें कुछ बताया क्या? नो सर, स्टिल ही इज इन कोमा। ओह, इस एविडेंस को जल्दी से फोरेंसिक लैब भेजो, मैं कमिश्नर से बात करके आता हूँ। ओके सर। जय हिंद। ओके ओके, चलो। आहा, क्या बेटा है, शादी करने को बोल रहे हैं तो इसे अभी नहीं करनी। वैसे भी मेरे बारे में थोड़ी भी चिंता नहीं है इसको। एक सुंदर सी लड़की से शादी कर ले तो घर में एक सुंदर सी बहू आ जाए, माँ के हाथ में प्यारे से पोते पोतियाँ होंगे। कभी सोचता भी है? अभी मुझे शादी की बात भी नहीं करनी, तंग आ चुकी हूँ मैं। सुबह सुबह सफाई करो, फिर खाना बनाओ, सबके लिए नाश्ता बनाओ, यही सब करना पड़ता है। क्या माँ, सुबह सुबह शुरू हो जाती हो, मेरी शर्ट दो प्लीज। वही रखी है ना, शर्ट भी मैं देने आऊँ तुझे क्या? इसीलिए तो बोल रही हूँ, जल्दी से शादी कर ले। तुझे क्या चाहिए माँ, सुबह देर से उठूँ तो चिल्लाती है, फिर कहती है शादी कर ले। ऐसे ही मेरे पीछे पड़ती रहेगी ना तो कहीं दूर चला जाऊंगा। इतना बड़ा हो गया है फिर भी सारे काम मुझी से करवाता है तू। तंग आ चुकी हूँ मैं, क्यों इतना चिल्ला रहा था? देख ले, शर्ट यहीं तो टंगी हुई है, पर मैं ही दूँ तुझे। हाँ दो ना। ओहो बेटा, पीछे से सारे बाल गीले हैं तेरे। अच्छा चल बैठ जा, यहाँ बैठ जा। ऐसे ही गीले छोड़ दिए तो सिर में दर्द हो जाएगा। नहाने के बाद सिर को अच्छे से पोंछना चाहिए। सुनना। हाँ माँ। कम से कम इस साल तो शादी कर ले बेटा। बस 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 बस, आपकी बातें फिर से शुरू हो गई। ये सुन सुन कर मेरे कान पक गए हैं माँ। तुझे पता है कोना सत्या की बेटी सावित्री है ना, उसकी बेटी राधा बहुत सुंदर है वो, और बहुत ही सुशील भी। ठीक है ठीक है, जैसा आप कहें। आपको वो लड़की सुंदर और सुशील लग रही है ना, लेकिन मुझे भी तो उसमें कुछ पसंद आना चाहिए माँ। वो लड़की बहुत बकबक करती है। ओहो महेश, तुझे ना जरूर कोई गलत फहमी हो गई है। हाँ वो खुलकर बात जरूर करती है, पर झगड़े करने वाली तो नहीं है। इस साल उससे शादी कर लेना तू बेटा। महेश, अरे महेश। मामू। क्या बात है भाई, माँ बेटे मिलकर बहुत डीप डिस्कशन कर रहे हैं, किसी बैंक से लोन वोन लेने वाले क्या? तो, लोन के बारे में नहीं है, मैं बस चाहती हूँ कि ये इस साल शादी कर ले। और ये है कि मान ही नहीं रहा, अब तू ही इसे थोड़ा समझा दे। अरे मामू। अरे क्यों भाई? माँ, मेरी शादी के लिए पूरे गांव में लड़की ढूंढनी पड़ेगी, पर मामा की शादी के लिए दूसरे ग्रह से लड़की लानी पड़ेगी। अच्छा बहुत हुआ मजाक, मैंने अभी अभी खाना बनाया है तो सब मिलकर खाते हैं, आ जाओ। अरे नहीं माँ, मेरा मन नहीं रहा, आप खाली। अरे कहाँ चला? चलो यार। नहीं नहीं, खाना खाए बिना जाएगा क्या? रुक जाना महेश। जाने दो ना, छोड़ो, मैं भूखा नहीं दिख रहा हूँ क्या? पेट में चूहे कूद रहे, कल रात का ही खाना खिला दो मुझे। चलो। गुंडागर्दी में जो टार्जन बहुत ही मशहूर था, कभी किसी लड़की को भाव नहीं देता था। एक दिन उसके भी दिल में एक प्यारा सा फूल खिला। यार भाई की पिक्चर देख के तो मजा ही आ रहा है। अच्छा था ना, रेसिंग में क्या गाड़ी चलाई है यार भाई ने। अरे बड़े लोग। और मैं क्या बोल रहा था कि कर लूंगा रे, टेंशन भी लेते हैं। हे यू, आज मौसम भी अच्छा है। शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? पब्लिक प्लेस में स्मोक नहीं करते, इतना भी कॉमन सेंस नहीं है? Thank you.
रहा है देखो। पता नहीं क्या समझते हैं, लड़कियों को देखते ही सब कुछ भूल जाते हैं ये लोग। इसे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई फिल्म चल रही है, जरा भी मैनर्स नहीं है इसमें। ए, अगर इसी तरह सिगरेट पीते रहे तो एक दिन जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। मुंह मत लग। यार जब वो लड़की मुझ पर भड़क रही थी तो लगा जैसे फूल बरस रहे। चल भाई छोड़ ना, चलते हैं। टार्जन की गाड़ी बिना ब्रेक के फुल स्पीड में चल रही थी और फिर उसकी लाइफ में स्पीड ब्रेकर की एंट्री होती है। तूने बहुत बड़ी गलती की है। तू बचेगा नहीं। आए। माफ कर दो। क्या समझता है इसको? छोड़ दो। पता नहीं। भाई की प्रॉपर्टी के ऊपर नजर डालता है। इतनी हिम्मत है तुझ में? बोल। छोड़ दो मुझे। खुद को क्या समझता है? बहुत बड़ा गुंडा है तू। आए। अपनी हैसियत मत भूल। तुझे जिंदा कर दूंगा। समझा? तू गया। अगली बार सोच समझ के पंगा ले। समझ में? समझा तू? भाई की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना। आंखें नोच लूंगा। समझा? क्या लौट? अब माफी मांगा? भाई की प्रॉपर्टी हड़पने से पहले सोचना चाहिए था ना। मुझे छोड़ दो। आज के बाद भाई की प्रॉपर्टी हड़पने की छोड़ उनकी तरफ देखेगा भी नहीं तो। समझा? मालिक, मालिक मुझे माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। जो भी हमारे सामने झुक कर रहते हैं वो लोग मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और तू तो मेरे खिलाफ ही खड़ा हो गया। मेरी प्रॉपर्टी पर नजर रखता है भाई। नहीं, भाले, नहीं। धर्मा भाई आया है। नहीं, ए, नई मशीन की पूजा नहीं की ना अभी? अरे वाह, क्या बात है धर्मा भाई, इतनी दूर? तुमसे मिलने के लिए आया था नरसिम्हा। क्या बात है? तुम तो जानते ही हो नरसिम्हा, इलेक्शन करीब आ रहा है। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों दिमाग को लोड दे रहे हो? आओ बैठो, आराम से बैठो, रिलैक्स होकर बैठो, बैठो। मैं हूं ना। देखो, तुम्हें जब जो चीज चाहिए वो तुम्हें टाइम पर मिल जाएगी। इस बार पैसों के सपोर्ट से ज्यादा तुम्हारे मैन पावर का सपोर्ट चाहिए नरसिम्हा। ये भी कहने वाली बात है क्या? छोड़ो भी, अभी एक हफ्ता बाकी है। एमएलए कृष्णप्पा था, उसको भी क्लियर कर दिया। अब किस बात का डर है? क्या करूं नरसिम्हा, वो सीट ही ऐसी है। मीडिया से बचकर दूर जाने वाला भी चेहरे को छुपाए बिना कैमरे के सामने पोज देता है। पता है क्यों? क्यों? मुझे तो बस भाषण देने की आदत है, सुनने की आदत बिल्कुल नहीं है। जरूरत ही नहीं है? जो हमारे खिलाफ आवाज उठाएंगे उन्हें छोड़ेंगे क्या? कुछ भी हो नरसिम्हा, मैं तेरे भरोसे आया हूँ। मेरी कुर्सी को बचाने की जिम्मेदारी तुम पर छोड़ता हूँ। तुम्हारे अलावा कौन खड़ा होगा? है? क्यों बिना फिनिशिंग किए पेड़ की तरह चेहरा बनाकर घूम रहे हो? तुम राजनीति में हो, गाँव के लोगों के सामने इस तरह रहोगे? चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। लो पहनो, हंसो हंसो हंसो, कम ऑन। अरे बस भी करो। आपको? मेरा भी हो गया भाभी। एक पापड़ देना। अरे आओ तुम भी बैठकर खा लो। अरे नहीं, आप खाइए, मैं बाद में खा लूंगी। क्या बात है, मुंह क्यों लटका रखा है? भाई आपसे कुछ बात करनी है। भाई क्या है, बोलो। नहीं कुछ नहीं भाई, रहने दीजिए। चली गई ना, अब बोलो। भाई वो धर्मा कह रहा था कि इस बार आपको इलेक्शन में टिकट देने वाले हैं, वो चाहते हैं कि आप इस बार इलेक्शन में खड़े हो। तो तुमने क्या बोला? मैंने तो बोला कि तुम भाई से ही बात कर लो। ये चाचू इलेक्शन में खड़े होने वाले हो? ठीक है मम्मी, मैं जा रही हूँ। कविता रुक जाओ, खाना खा के जाना। मैं बाहर खा लूंगी। इसका तो हमेशा का ऐसा ही है। देखो गुरु, जो राजनीति में है वो खुद हमारे भरोसे रहते हैं, फिर हमें राजनीति क्यों चाहिए? राजनीति में जो लोग जितना कमा सकते हैं उससे कहीं ज्यादा हम कमा कर बैठे हुए हैं। ये सब किस लिए है आखिर? सही कहा भाई। सुनो, इसको खाना दो जरा। अरे नहीं नहीं भाभी, हो गया। हा? लाओ और परोसो जरा। Oh.
इंसान फरामोश मुसीबत में पैसे मांगता है और अब मुंह छुपाकर भाग रहा है, भाग रहा है। मुझसे बचने की कोशिश कर रहा था ना, कहाँ जाएगा बचकर? भाई मेरी बात तो सुनिए, एक मिनट भाई रुकिए, भाई बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद जितना मारना है मार लीजिएगा। चार पांच महीने का मूलधन और ब्याज का पैसा धर्मा भाई को देने के लिए निकला था घर से, इतने में गांव से फोन आया कि माँ को हार्ट अटैक आया है और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया है। हाथ में जो भी पैसा था वो सब ऑपरेशन में खर्च हो गया। उसकी माँ की तबीयत खराब है तो तू क्यों मुंह लटका के खड़ा है? नहीं सिंगा, धंधे में हुए नुकसान की हम कीमत लगा सकते हैं लेकिन भावनाओं की कोई कीमत नहीं। हमने इसे गलत समझा। शाम को धर्मा भाई के घर आ जा, मैं बात करता हूँ। कितनी बार समझाया सिगरेट पीने से तेरे फेफड़े खराब हो जाएंगे, अंदर से एकदम खोखला हो जाएगा, लेकिन तू मेरी बात कभी नहीं सुनता है। मान ले भाई। याद रख सिंगा, अगर ऐसे ही सिगरेट पीता रहा तो जिंदगी से हाथ धो बैठेगा। पीछे पीछे आऊंगा मेरी प्यारी मणि। चिंता मणि, तो कोई चिंता न कर मेरी बुलबुल। ए बुलबुल, बात ही करोगे क्या? जाओ जाओ, जहाँ जाना है जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन लौट कर उधर आ जाना जहाँ मैं बुलाऊं। हाँ, तुम्हारे साथ थोड़ा सा डीपली डिस्कशन भी तो करना है। कहाँ आना है, कहाँ आना है, बोलना। टाइम, डेट, प्लेस, एट द स्पॉट, अभी बता मुझे किधर आना है, बोल ना। मैं अकेले आऊंगी, सिंगल, समझा?
बता कहाँ आना है? अरे निकल 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 यहाँ से, चल चल चल। हाँ बोलना। क्या भाई टार्जन, आजकल तू बहुत बिजी लग रहा है, आखिर ऐसा क्या कर रहा है? अरे कुछ नहीं यार, मैं बोल रहा हूँ ना, वो बात ही नहीं। पता है वो गुंडे लोग सड़क पर चलती लड़कियों के पीछे दुम हिलाते हैं। वैसे तुम्हें क्या हो गया है, डफर की तरह रोड पर मेरा पीछा कर सकते हो, लेकिन मेरे दिल में क्या है वो पूछने की हिम्मत नहीं है तुम में। नहीं पुरनी बात वो नहीं है, लेकिन स्टॉप। कल मैं तुमसे कॉफी कैफे में मिलूंगी, ठीक है? और तुम आ रहे हो, समझे? बोलो राणा। ये क्या सुन रहा हूँ सत्या, लगता है टार्जन ने तुझे जम कर धोया है। अंडरवर्ल्ड में तेरी बहुत चर्चा चल रही है, तेरी इज्जत की तो पूरी वाट लगा दी यार, और तेरे हाथ से डील भी निकल गई। अब मैं क्या बोलूं यार, वो डील मुझे ही मिलने वाली थी, बस मेरे हाथ लगने ही वाली थी कि एन वक्त पर उस टार्जन ने आकर सारा खेल ही बिगाड़ दिया है यार। सत्या मेरे पास एक सुपर प्लान है, उस टार्जन की तो मैं बैंड बजा दूंगा। देख राणा, कुछ भी करके उस टार्जन को खत्म कर दे। सुपर राणा का सुपर प्लान है। बस और दो दिन की बात है, उसके बाद मैं उसे सामने से सब बताऊं। सही बोला भाई। कौन है? अरे मामा। अरे मामा, मामा आ गए। मामू यहाँ भी आ गए। मामा आ जाओ। नया सिम लिया, एकदम ब्रांड न्यू, नया फोन, मोबाइल में एक बढ़िया सा डील मिल गया बेटा। ऐसा क्या? पहले ये तो बताओ बात क्या है, उसके बाद देखेंगे बढ़िया है या नहीं। नीचे बैठो, इसका नाम कोजा है। कोजा? कोजा रहने दो मामा, हमें कोई डील नहीं करनी। ए, कोजा ऐसा वैसा इंसान नहीं है, इसका नाम है कोजार जानी। अब इतना लंबा नाम कौन बकबक करेगा, इसीलिए शॉर्टकट में कहा कोजा। और मैं इसको अभी किडनैप करके लाया हूँ। किडनैप? क्या मामा, अभी तो गले में हाथ डालकर आ रहे थे और बोलते कि किडनैप करके लाया हूँ। वही तो मैटर है, मुझे किडनैप करके मेरे घर वालों को बताओगे तो लाखों फिरौती में मिलेंगे बेटा, ऐसा इसने बताया। ठीक है, आप कितने पैसे लोगे? अरे रे 2000 खर्च करके नया सिम खरीदा हूँ, जानते हो क्यों? हाँ बताओ क्यों? तुम जानते हो, तुम्हें अंदाजा है किस लिए? इस मैटर के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। देखो मामा, जब आपने इतना दिमाग लगा के ये सारा प्लान बना लिया तो आप डील भी खुद ही कर लीजिए। अरे यार, जंगल में जीना है तो शेर के साथ चलो, और अगर यहाँ जीना है तो दो पैर वाले शेर के साथ चलना होगा, है ना? तभी तो काम बनेगा अपना, उसी के लिए तो तुम्हारे पास आया हूँ। थोड़ा रुको, फोन करता हूँ। हेलो हेलो हेलो, तेरे आदमी को किडनैप किया मैंने। कितना चाहिए? क्या? ये तो डायरेक्ट मैटर पे आ गया। 10 10 10 से ज्यादा भी नहीं और 10 से बिल्कुल कम भी नहीं। ओके? हाँ, और कुछ देर में कब, कहाँ और कितने बजे पैसे लेकर आना, ये मैं खुद बताऊंगा। जरूरत नहीं है, मैं खुद ही कैश लेकर आ गया हूँ, तुम्हारे पीछे ही खड़ा हूँ। पीछे ही है? पीछे ही है कहाँ? यहाँ यहाँ। अरे मैंने बोला 10 10 है ना? 10? हाँ है भाई। अरे मिल गया। अरे क्या बात है, तुम्हारा आदमी कितना फास्ट है, मजा आ गया। अभी क्या गया? लो ये भी आ गया। ये लो। ये कैसी भीख है? तुमने 10 मांगा था ना, तो मैंने 10 दे दिया। क्या 10 10 10? अरे मैंने बोला था 10 लाख 10 लाख। तुम 10 रुपए की नोट लाकर दोगे तो क्या वो 10 लाख बन जाएगा? इसको छुड़ाने के लिए 10 भी ज्यादा है। अरे थोड़ा और तो मिला कर दे देते। मेरी बहन का पति है, हर थोड़े दिन में अपने आप को किडनैप करवा लेता है, फिर उनसे फोन करवाता है, फिर मैं पैसा देता हूँ और इसे लेकर चला जाता हूँ। मेरी बदतमीजी कि मुझे ऐसा जीजा मिला। ए, चल मैं अपना 50% लेकर दारू पीने जा रहा हूँ। जीजा जीजा रुको रुको, तो इसमें तो 2000 का इंटरेस्ट भी नहीं निकलेगा। हाँ कौन? अरे आराम से, चलता
अरे देखो रे कौन आया है, कैसे तड़पता हुआ यहाँ चला आया। गलत किया राणा। ऐ तो मुझे सत्य मत समझ, मैं राणा हूँ राणा। तेरे जैसे चिल्लर को तो मैं अपने पैरों के नीचे कुचल देता हूँ। देख राणा, जो लफड़ा है तेरे मेरे बीच में, इस लड़की को यहाँ से जाने दे। अरे सुनो रे, ऊपर से हुक्म आया है लड़की को जाने दे। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, मारो। पूर्णी, पूर्णी, पूर्णी रुको, पूर्णी, पूर्णी मेरी बात तो सुनो। कुछ तो बात करो पूर्णी। बात कहाँ से शुरू करूँ वही सोच रही हूँ। क्या कहा, मैं कुछ समझा नहीं। महेश, मैं एक लड़की हूँ, मेरे भी कई सारे सपने हैं। तुम जितना प्यार मुझसे करते हो उतना ही प्यार मैं तुमसे करती हूँ। तुम्हारे साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। मैं भी यही चाहता हूँ पूर्णी, कि पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताऊँ। अगर ऐसा है तो हाथ दिखाओ। हाथ दिखाओ मतलब? दिखाओ ना। पी यानी पूर्णी। कैसा लगा? बहुत अच्छा। ये हमारे प्यार की निशानी है, मेरी तरफ से तुम्हें पहला गिफ्ट। जब तक मैं जिंदा रहूं ये तुम्हारे हाथ में रहे, यही मेरी ख्वाहिश है। ठीक है पूर्णी, वादा करता हूँ जब तक जिंदा रहूंगा ये तोहफा मेरे साथ ही रहेगा। अच्छा, मैंने तो तुम्हें गिफ्ट दे दिया, तो तुम मुझे कोई गिफ्ट नहीं दोगे? बोलो ना तुम्हें क्या चाहिए, जो चाहिए मैं ला कर दूंगा। जबान दे रहे हो, पलटना मत। जान दे दूंगा लेकिन जबान से नहीं पलटूंगा, हमारे प्यार की कसम। ऐसी बात है तो अब आगे से मारपीट और गुंडागर्दी छोड़नी होगी। ये क्या कह रही हो तुम पूर्णी? मैंने कहा था ना महेश, मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। वैसे तुम अच्छे इंसान हो लेकिन ये गुंडागर्दी ठीक नहीं है। घर से जब निकलते हो तो मुझे ये डर लगा रहता है कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। ऐसा नहीं है पूर्णी, मैं ये मजबूरी में करता हूँ। ये सब मैं नहीं जानती, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है तो उसे पूरा करो। ठीक है प्रॉमिस। थैंक यू। अरे बेटी की शादी के नाम पर उधार लेकर 6 महीने हो गए, ना ब्याज दे रहे हो ना मूल दे रहे हो, और तेरा पति कहाँ चला गया किसी को कोई अता पता नहीं। तुझे कोई आइडिया? 1 महीने का टाइम दे दीजिए, कहीं से भी इंतजाम करके उधार चुका। अच्छा, 1 महीना? हाँ तो फिर एक काम करो, तब तक तेरी बेटी मेरे साथ। नहीं, इसे छोड़ छोड़ो मुझे, ऐसा मत कीजिए, मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। ये कौन है? अरे लंबू तू कौन है? थोड़ी देर और इसका चेहरा देखूंगा तो गर्दन टूट जाएगी। कौन है तू? क्या रे, लड़की की शादी के लिए उधार दिया था तो लड़की को उठा के ले जा रहा है, अगर क्रियाकर्म के लिए उधार दिया होता तो क्या लाश को उठा कर ले जाता है? मैं किसी को भी उठाऊं तो पूछने वाला होता कौन है, इनका रिश्तेदार है क्या? मदद करने के लिए रिश्तेदार होना जरूरी है। बोल रही है ना अगले महीने दे देगी तो दे देगी। मैं वो बच्चा हूँ क्या कि तू चॉकलेट देगा और मैं यहाँ से चला जाऊंगा? चल चल निकल यहाँ से। आखिरी बार बोल रहा हूँ, समझ जा। तुझे क्या लगता है कि तेरे इन भाड़े के टट्टुओं से मैं डर जाऊंगा? अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो यही लोग तुझे कंधा देने के काम आएंगे। नहीं। क्या है, क्या है? क्या कर लेगा तू? अरे अपने आप को समझता क्या है तू? घंटी बजी, चल निकल।
तू तो गया काम से, अब देखना मैं अपने भाई को लेकर आता हूँ, फिर तू देखना मैं तेरी क्या हालत करता हूँ, तेरे घर वाले भी तुझे नहीं पहचान पाएंगे। माँ जी आप फिक्र मत कीजिए, आज के बाद ये आपको तंग ना करे, ये मेरी जिम्मेदारी। माँ को अंदर ले जाओ। तुम्हारा ये एहसान हम नहीं भूलेंगे बेटा। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? बहुत जल्दी सॉल्व करता हूँ सर। ठीक है जल्दी करो। ओके सर। सुन लिया, होम मिनिस्टर का कॉल था। ऐसा नहीं है कि हजारों कॉल आते हैं यहाँ पर, अब तुम ही बताओ क्या जवाब दूं मैं इसका। सर ये खूनी बहुत ज्यादा चालाक है, हर चीज प्लानिंग से करता है। एमएलए कृष्णप्पा के हर मूवमेंट को इसने अच्छे से वॉच किया है, बिना एक भी क्लू छोड़े उसने ये क्राइम किया है सर। और तो और एमएलए कृष्णप्पा का ड्राइवर भी अभी कोमा में है। हाई प्रोफाइल मर्डर केस, ऊपर से बहुत प्रेशर है, और ये मीडिया वाले जब देखो तब हमारे पीछे पीछे लगे रहते हैं। सर आप भी जानते हैं। देखो इशू, मुझे कुछ नहीं सुनना है, जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करो। सर आई डू माय बेस्ट। अरे मैं बात करता हूँ ना, आओ आओ मामू आओ। अरे क्या तुम लोग आराम से बैठो मामू। तार्जन कहाँ है? मामू आजकल वो पूर्णिमा के साथ बैकडोर पे फुल मजे कर रहा है। अरे वो भी ना, अरे मेरे लिए चाय तो बोलो। मामू को बची हुई चाय पिला। मस्त भी कर रहे हैं। कौन है ये? हमें पता भी नहीं था कि हमारे एरिया में इतनी मस्त हीरोइन है। मर गया। तू रुक, तुझे अभी बताती हूँ। क्या बोला तूने? बकवास चल तेरी। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? बाकी औरतों को मेरे मत समझना, मुझे समझ में आया तुझे? तू खुद को समझता क्या है? एक दिन प्यार से बैठकर खाना क्या खा लिया तेरे साथ, तू कुछ भी बकवास करेगा? इसका मतलब ये कि हम दोनों के बीच जो हुआ उसे भूल जाने में ही तेरी भलाई है। मैं ही बेवकूफ थी जो तेरे साथ खाना खाने चली गई। तुझे तो बात करने तक भी तमीज नहीं है। रुक तू, मैं बताती हूँ तुझे। रुक, आज के बाद किसी को छोड़ा ना तूने, तेरा और बुरा हाल कर देगी। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। इन लोगों के अलावा किसी और ने तो नहीं देखा ना? क्या मामू, आंटी ने तो बहुत प्यार दिया आपको। वैसे मामू आपका और उसका संबंध क्या है? अरे हम दोनों के बीच दिया और तेल का संबंध है बेटा। काफी पुराना संबंध लगता है मामू। अरे उसके और मेरे बीच कैसा संबंध था पता है? तुम ही बता दो। खूबसूरत सांसारिक जीवन में उसकी जिंदगी नरक बन गई है बेटा। अचानक मेरे अंदर पनपे हुए सोच से भविष्य काल बन गई है उसकी जिंदगी। मेरी और उसकी मुलाकात के बाद से उसकी खूबसूरती को देखकर मेरे काम की अपेक्षा सरेंडर हो गया भाई, सरेंडर। वैसे आपकी कहानी का ट्रेलर देखकर तो मजा आ गया। अरे अरे मामा बिना। ए बुलाओ उसे। ए ये किस लिए आया है? कल जो इसे लाफा पड़ा था उसी का बदला लेने आया है। क्या कह रहा हो? अरे बाप रे, इस खेल में मैं नहीं हूँ बेटा, आंटी आई है, मैं उधर जाता हूँ। मामू कहाँ जा रहे हो? नमस्ते भाई। नमस्ते भाई। तो यही है वो लोग हैं? ये लोग नहीं है भाई, ये तो भाड़े के टट्टू हैं जो साथ में घूमते रहते हैं। आवाज आए, चुप रहो। वो दिखता कैसा है? अरे वो दिखता कैसा है भाई? दरअसल उसकी हाइट कम से कम 6 फीट तो है, बहुत बढ़िया दिखता है। हाँ वो देखिए, वो आ रहा है। ये सलाम भाई, इसकी शक्ल देखकर लग रहा है कि मुझे ढूंढ रहे हो। भाई यही है वो। क्यों रे मेरे भाई को हाथ लगाया? गलती इसकी थी भाई। क्यों रे, दिया हुआ पैसा वापस मांगना गलत है? पर मांगने का तरीका गलत था। इसकी जगह अगर मैं होता तो बेटी की जगह माँ को उठा कर ले जाता। भाई भाई, आपके कान में से घंटी की तरह टन सी आवाज आ रही है क्या? अरे भाई मेरे को भी ऐसी आई थी। भाई इधर से निकल लेते हैं, ज्यादा खड़े रहे तो ये बहुत दोएगा, बता रहा हूँ आपको। चलो ना भाई। ए भाई चल, तुझे देखूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ये आया था बदला लेने। चलना, खुद को शाना समझ रहा। मंजू नाम अधेसिया, मनोहर नाम अधेसिया, उमा नाम अधेसिया, महेश नाम अधेसिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते राजराजेश्वरी नमः। अच्छा सुन, बाइक यहीं पार्क कर दे और अंदर चल ले। मैं अंदर नहीं जाऊंगा माँ, तुम जाके आओ। जाओ। पर क्यों? मुझे काम है थोड़ा। आज तेरा जन्मदिन है बेटा। जन्मदिन हो या कोई भी दिन हो माँ, मुझे नहीं जाना मतलब नहीं जाना। ठीक है ठीक है, अब मुंह मत फुलाओ।
चलता हूँ। मेरा प्यारा बेटा चल। नमस्ते पंडित जी, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है तो इसके नाम की अर्चना करवानी है। क्या नाम है इसका? इसका नाम महेश है। श्रवण नक्षत्र, अंतरय गोत्र, मकर राशि। महेश नाम धीस्या, श्रवण नक्षत्र, अंतरय गोत्र, मकर राशि धीस्या। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तन्नो हरि, नारायणी नमोस्तुते। प्रसाद ग्रहण करो। महेश सुन। क्या हुआ माँ? जैसी बहू का मैंने सपना देखा है वैसी ही लड़की वहाँ है, तो इससे शादी कर ले तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। बस इतनी सी बात है? रुके अभी लेकर आता हूँ। आपका सपना है तो फिर। अरे महेश रुकना, कहाँ? महेश सुनो पूर्णी। अरे महेश जरा मेरे साथ आ। चलो क्या तो हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ, हो ना। कहाँ चलूं? माँ से मिलवा रहा हूँ। मेरे मम्मी पापा यहाँ आए हुए हैं। महेश ये सब क्या है? पूर्णी ये मेरी माँ। ओ आशीर्वाद दीजिए माँ, खुश रहो बेटी। तो क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से ही? माँ वो तुमने कहा ना कि तुम्हें ऐसी बहू चाहिए तो मैं ले आया इसे। ओह चोरी छिपे तूने इसे पहले ही पटा लिया। हाँ और झूठ बोलता है मुझसे, माँ को बेवकूफ बनाता है। वैसे ये है बहुत सुंदर, प्यारी है। तुम्हें ये पसंद है ना माँ? पूर्णी सुनो पापा आ गए हैं, मैं चलती हूँ, बाय बाय। तुम्हें अच्छी लगी माँ? हाँ बेटा बहुत अच्छी लगी मुझे। ठीक है माँ, अब जल्दी ही इसके घर जाकर रिश्ते की बात करते हैं। इतनी जल्दी नहीं, चलो आखिरकार मेरा सपना पूरा तो होगा। मैंने कहा ना मैं कि... तो नरसिम्हा भाई बुला रहे हैं। तो चल मैं आ रहा हूँ। हाँ माँ चलते हैं। किसी को मारने से पहले उसका बैकग्राउंड चेक करना चाहिए। तूने जिसको मारा है पता है कौन है वो? क्या रे तुम्हारी घंटी बज गई तो डर के मारे दुम दबाकर इसके पास आ गए तुम लोग? देखा नरसिम्हा भाई किस तरह बात कर रहा है। भाई सामने वाला मुझे जितनी इज्जत देता है मैं भी उतनी ही इज्जत देता हूँ, ये मेरा उसूल है। आप बड़े हो भाई, आपकी इज्जत है यहाँ, मिट्टी में मत मिलाओ। क्यों रे तेरी इतनी हिम्मत? तो भाई के सामने जबान चलाता है, दो कौड़ी का सड़क छाप गुंडा, यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जा पाएगा। ए वहाँ खड़े खड़े देख के रहे हो, काट डालो इसको। पैसा देकर अगर इज्जत पे हाथ डालोगे तो उस हाथ को काटने के लिए मैं हर टाइम खड़ा रहूंगा, चाहे फिर वो हाथ तुम्हारा हो या फिर इन दोनों का। बात भेजे में घुसी की नहीं, निकलता हूं। भाई उसने आपको इतना भला बुरा सुनाया और अब चुपचाप सुनते रहे? गुरु जो अपना सिर उठाकर चलता है मैं उसके सामने सिर झुकाकर चलता हूं। अगर वो आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है तो मतलब गलती इन गधों की ही है। देखो गुरु जिसके सिर पर हमारा हाथ है तो लोग कहते हैं कि हम उसे पाल रहे हैं, लेकिन अगर किसी का हाथ हमारे सिर पर है तो देखने वाले कहेंगे कि हम उसके नीचे हैं। इसलिए दिमाग ठंडा रखना चाहिए। वो आग जैसा उबल रहा है, हम उस आग में झुलस न जाएं। इसलिए मेरा मारने का तरीका बलि चढ़ने वाली मुर्गी को भी नहीं पता चलता कि उसकी मौत की वजह उसका ही अंडा है। पूर्णी हाँ तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? पूछो। तुम्हारे घर वाले अपनाएंगे क्या मुझे? ये कैसा सवाल है, जरूर अपनाएंगे, अब जमाना बहुत बदल गया है। ऐसी बात है?
हाँ, मेरे मम्मी पापा को लड़का ढूंढना नहीं पड़ेगा और उसके बाद क्या? शादी और मंडप का सारा खर्चा बच जाएगा। तो तुम शादी और मंडप का खर्चा बचाने के लिए मुझसे शादी करने वाली हो क्या? सही कहा तुमने। महेश, हमें जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। क्या हुआ? चलो वहीं रुको। टार्जन रुक जाओ, रुको, भागना बंद करो। टार्जन भागो, कुर्नी। रुक जाओ। उन्हें जल्दी चलो। गार्जन रुक जाओ, रुको वरना शूट कर दूंगा। महेश चलो। यहाँ से आगे रास्ता नहीं है, आप किस तरफ जाएंगे? ए टार्जन, पाप करने के बाद कर्म तो भुगतना ही पड़ेगा। एक बात याद रख, मुझसे आज तक कोई भी गुंडा बच नहीं पाया। पंगा तो तब लेगा ना जब मैं तुझे जिंदा छोड़ूंगा। गुंडागर्दी करने वालों के लिए मेरी तरफ से ये यमराज का प्रसाद है। तेरे जैसे कीड़ों को जड़ से उखाड़ना जरूरी है। तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैंने कब सोचा था मेरी जिंदगी यूं बदल जाएगी? सब कुछ इतना अच्छा था, एक अच्छा पति, दो प्यारे बच्चे, लेकिन तंबाकू ने सब कुछ बदल दिया। अब इस फैलते हुए कैंसर को मेरे चेहरे से काटना पड़ेगा। कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फिसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112-356 पर कॉल करें या मिस कॉल दें 0112-209-1701 पर। जल्दी जल्दी पढ़ाई पूरी कर लो, उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। उसके बाद कोई क्या ही कर सकता है। और वैसे भी अब मैं तुमसे ज्यादा देर दूर नहीं रह सकता। ओ हाय। हे हाय। कैसी हो? हाय। कैसा है? हम बढ़िया। अरे तुम दोनों ऐसे ही घूमते रहोगे या शादी के बारे में भी सोचोगे? अपनी माँ से शादी की बात करो। पूर्णी ने कुछ नहीं बताया। अभी हाल ही में मैंने पूर्णी को माँ से मिलवाया था। एक बार पूर्णी के माँ बाप हाँ कर दे तो फिर शादी जल्द हो जाएगी। ऐसी बात है क्या? अरे गोविंद ने ब्याज दे दिया ना? इस गोविंद ने ब्याज के पैसे दे दिए ना? भाई जब तक उसे अच्छे से नहीं धोएंगे ना तब तक वो नहीं देगा। फोन रखो, मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है? वो सामने जो देख रहा है ना वही कैंपस। अरे सत्या, वहाँ जो खड़ी है वो कविता की है ना? सारे स्टूडेंट्स बंक मार के गए लगता है। हाँ भाई, वो टार्जन के साथ क्यों घूम रही है? भाई लव अगर लव है तो मतलब दोनों साथ में घर भी बसाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? भाई अगर ये बात नरसिम्हा भाई के कानों में डाल देंगे तो वो इसकी घंटी जम के बजाएंगे। इस काम में देर नहीं होनी चाहिए, जल्दी करना होगा। तू कुछ भी बोलेगा क्या सोचा मैं मान लूंगा? मेरे घर की इज्जत को उछलता है, बता। जिस थाली में खाया वही छेद करता है। मुझ पर इतना क्यों चिल्ला रहे हो?
चाहो तो मेरे भाई से पूछ कर देख लो। मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। झूठ बोलता, झूठी कसम खाता है, झूठ बोलता, झूठ बोलता। सुन, अगर अगली बार तूने ऐसी बकवास की ना, तो तेरी ज़बान काट लूँगा। अरे चल निकलते हैं यहाँ से। निकलते भाई, इन लोगों से तो दूर रहना ही अच्छा है। चलो यहाँ से हम चुपचाप निकलते हैं। आपने देखा भाई, इनकी इतनी हिम्मत की उल्टा सीधा बोल रहा है। ये आपके प्यार का नतीजा है। इस बारे में कविता से डिस्कस मत करना भाई, इस बात को यहीं भूल जाओ। हमारे घर की बेटी कैसी है मच्छी तरह जानते हैं, किसी और के मुंह से सुनने की जरूरत नहीं है। हेलो। हेलो सर, श्रीकांत बोल रहा हूँ। आपकी 26 नंबर जमीन का डी नोटिफिकेशन हो गया है, वो केस एसीपी ऑफिसर हेमंत को सौंपा गया है और इंक्वायरी शुरू हो गई है। वो आपके घर कभी भी आ सकते हैं। भाई साहब, चाहे जो कुछ भी हो, इस बार टेंडर हमें ही मिलना चाहिए। ये लीजिए आपका हिस्सा, पूरे 50 लाख हैं भाई साहब। ठीक है, जो मुझे चाहिए था वो आपने दे दिया, समझो आपका काम ठीक है भाई साहब। अब हम चलते हैं, आप जा सकते हैं। भाई अभी अभी एनए ऑफिस से शिवशंकर ने फोन किया था, हमारी जो सर्वे नंबर 26 की जमीन है उसका डी नोटिफिकेशन हो गया है भाई। उसकी इंक्वायरी करने की जिम्मेदारी संतोष कुमार सीबीआई को देने वाला है। अरे करने दो, इलेक्शन भी करीब आ रहा है, ऐसे में अगर हम कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगे तो आपका करियर खत्म हो सकता है। आपको कोई ना कोई सही फैसला तो लेना ही होगा भाई। ठीक है, उस टार्जन को बोलो भाई ने बुलाया है। ठीक है भाई। क्या बात है महेश, तुमने फोन पर कहा कि कुछ जरूरी बात है, बताओ। बात यह है कविता, कि पूर्णी का कॉल आया था। वो कह रही है उसके घर वाले लड़का देख रहे हैं। अच्छा। और पूर्णी के माँ बाप उस पर शादी के लिए प्रेशर डाल रहे हैं। ओ। उसने मुझसे कहा, महेश मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। ये बात है। अब मैं उससे क्या कहूँ ये समझ नहीं आ रहा। गाड़ी जरा रोक दो। कविता, ये इसके साथ? देखा भाई, इसके कितनी हिम्मत हो गई है उस दिन ऐसे ही छोड़कर। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी भाई, इससे तो अभी चलो। हेलो। हाय पूर्णी। हाय कविता, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, घर पे आ सकती हो? थोड़ा अर्जेंट है। क्या बात है बोलो। मैं फोन पर नहीं बता सकती हूँ, तू अभी के अभी घर पर आ जा मेरे। ठीक है, आती हूँ। ओके बाय। बाय। अब खुश हो ना? थैंक्स कविता। महेश 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 पुर्णी 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 क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? कविता, पता नहीं। क्या हुआ डैडी? कहाँ गई थी? स्पेशल क्लास थी डैडी। ओ, तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी स्पेशल क्लास कॉफी शॉप में होती है? डैडी वो क्या है ना कि मैं वहाँ मुझसे झूठ बोलती हो? अरे क्या हो गया? क्या हो गया? तुम्हारी बेटी सुबह से शाम तक कहाँ जाती कहाँ रहती है पूछती हो, क्या हो गया? पर ऐसा क्या हो गया कि आप इसे मार रहे हैं? तुम्हारी बेटी पीठ पीछे क्या गुल खिला रही है पूछो इससे, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। एक लड़के के साथ घूम रही है, परिवार की नाक कटा दी। सब मेरी ही गलती है टार्जन, टार्जन। भाई आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? गुरु देखो, मुझे इज्जत प्यारी है, इज्जत बचाने के लिए सर कटवा लूंगा या काट दूंगा। इसके बाद भी अगर इसने हमारी बात नहीं मानी तो हाथ पैर काट के कमरे में बंद कर दूंगा। भाई आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। जाओ फिर। कविता कविता कविता, अरे मैंने भाई से बात कर ली है, उठो ना, परेशान मत हो।
ए कविता, सब ठीक हो जाएगा। कविता, 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 भाई। कविता, 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 क्या हो गया भाभी? देखो ना कविता कुछ नहीं बोल रही। कविता, कविता, पता नहीं क्या हो गया भाभी। कविता, 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 कविता बोलो मेरे। कविता, कविता को मार डाला उन्होंने महेश। बस बहुत हो चुका, चलो पूर्णिमा। नहीं, रहने दो महेश। देखो मैं पहले ही कविता को खो चुकी हूँ। उसके पापा को गलत फहमी हो गई है। वो तुम्हें कविता का लवर समझ रहे हैं। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, कहीं नहीं जाओगे। क्यों टार्जन, लड़कों के बुलाने के बाद भी तुझे आने का टाइम नहीं मिला क्या? तो इतना बिजी है कि तुझे ढूंढते हुए मुझे खुद तेरे पास आना पड़ा। ऐसी बात नहीं है भाई। ठीक है ठीक है, तुझसे कुछ बात करनी है, चल गाड़ी में बैठ। भाई क्या है ना कि मैंने कहा ना पहले गाड़ी में बैठ। धर्मा उस दिन टार्जन को अपने साथ गाड़ी में लेकर गया और उसे संतोष को मारने की सुपारी दी थी, लेकिन टार्जन ने इनकार कर दिया। धर्मा को इस बात से बहुत गुस्सा आया और फिर धर्मा ने सत्या के गैंग को शामिल कर लिया। सर, एमएलए कृष्णप्पा का ड्राइवर कोमा से बाहर आ गया, हॉस्पिटल वालों का फोन आया था। ठीक है, तुम गाड़ी में बैठो। सिस्टर, दवाइयां कंटिन्यू करना। ओके सर। वो ड्यूटी डॉक्टर आ गए क्या? नहीं मैडम, अभी तक नहीं, वो इमरजेंसी वार्ड में है। हेलो डॉक्टर। हेलो सर। पेशेंट की कंडीशन कैसी है? सर वो अभी अभी कोमा से बाहर आया है। कंडीशन ठीक तो नहीं है, इसीलिए प्रेशर मत दीजिएगा, नॉर्मल इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके, गुड लक, बाय। थैंक यू। एक्सक्यूज मी सिस्टर, उस दिन क्या हुआ था बताओगे? सर, उस दिन बोल एमएलए साहब पार्टी ऑफिस से निकले थे, रास्ते में जाते समय अचानक एक आदमी क्या तुम्हें उसका हुलिया याद है? नहीं सर, मैं उसे ठीक से देख नहीं पाया। चलो ठीक है, याद करो कि वहां और क्या हुआ था। कम ऑन से था, सोचो। याद नहीं आ रहा सर। सर हाँ बोलो। उस दिन एक और शख्स बाइक पर था। बाइक का नंबर क्या था? सीधा सोचो। हाँ बोलो। हाँ जीरो K-A-02 E-V 9 4 9 4 और सोचो सोचो 7 ओके। अबे चल इधर उधर क्या देख रहा है? चल गाड़ी में अंदर बैठ। नहीं अरे नाटक बंद कर, चुपचाप चल। जो बोलना है सर के आगे बोलूंगा। सीधा चल चल। सर वो बाइक किसी की थी? नाम क्या है तेरा? सर मंजुनाथ है सर। मुझे यहाँ पुलिस स्टेशन में क्यों लाए हो? एमएलए कृष्णप्पा का खून तूने ही किया ना? सर खून? ये आप क्या बोल रहे हैं सर? मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं तो उस आदमी को जानता तक नहीं, तो मैं उसे क्यों मारूंगा?
K02EV947 तेरी गाड़ी है ना? अब मेरी गाड़ी है। अब ये बता, तेरी गाड़ी जहाँ खून हुआ उस वक्त वहाँ क्या कर रही थी? मैं कुछ नहीं जानता। झूठ बोलता है? मैं सच बोल रहा हूँ। बता, तेरी गाड़ी वहाँ क्यों थी? मैंने कुछ नहीं जानता। क्यों थी? सर आप मुझे क्यों मार रहे हैं सर? बता। बताता हूँ, बताता हूँ। बता। उस दिन मैं अपनी गाड़ी को सर्विस के लिए गैराज में छोड़कर गांव चला गया था। मैं गांव से आज ही आया हूं। मेरी गाड़ी उसी गैराज में खड़ी थी। गैराज? हाँ सर। वो गैराज कहाँ है? मेरे साथ आइए सर, मैं आपको दिखाता हूँ। ऑफिसर, ए, अब चल गैराज कहाँ है दिखा। मेरे भाई की इस हालत का जो जिम्मेदार है, मैं उस टार्जन को छोड़ूंगा नहीं। यार, मुझे तो इतना परेशान क्यों? नरसिम्हा भाई जो हमारे बारे में सोच रहे हैं वो गलत है। तो कुछ ना कुछ सही कर रहे हैं। गुरु, जैसा तू सोच रहा है वैसा नहीं है। हमने कुछ नहीं छोड़ना, नहीं इसको। तुझे कोई गलतफहमी हुई है, तू हमें क्यों मारना चाहता है? उसका और मेरा कोई संबंध नहीं है। गुरु मेरी बात सुन। रुक जा गुरु, रुक जा। सिंगा, ये क्या हो गया? लगता है मर गया। अब हम लोग क्या करेंगे? यही घर है, आ जाओ। आ जाओ, जाओ, जाओ। सर, मालिक सर, सर आ रहा हूं। बताइए कौन है आप लोग? ये महेश की माँ है सर। नमस्ते, ये लीजिए। ये क्या है? क्या बात है, वो बोलिए। वो क्या है ना, मेरा बेटा महेश और आपकी बेटी पूर्णिमा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। माँ बाप होने के नाते हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है ना, इसीलिए मैं आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाने की सोच रही हूँ। तो रिश्ते की बात करने आए हैं। मानना पड़ेगा आपको, बच्चों के दिल को अच्छे से समझती हैं आप। मैं भी एक पिता हूं और अपनी बेटी के भविष्य को अच्छे से समझ सकता हूं। मैं अपनी बेटी की शादी क्या किसी गुंडे से कराऊंगा? ये आप क्या बोल रहे हैं? आज नहीं तो कल कब कहां वो लाश बनकर सड़क पर पड़ा मिलेगा। और ऐसे गुंडे के लिए आप मेरी बेटी का रिश्ता मांगने आई हैं? सुनिए, आपको अपनी बेटी का रिश्ता हमारे घर नहीं करना तो कोई बात नहीं, पर मेरे बेटे को गुंडा मत कहिए प्लीज। मेरा बेटा क्या है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। क्या जानती हैं? सारा शहर जानता है कि आपका बेटा एक बहुत बड़ा गुंडा है। लोगों को धमकाना, डराना, खून खराबा करना, ये भी कोई जिंदगी है? ऐसे लोग ना खुद की परवाह करते हैं ना ही दूसरों की। ऐसे नाकारा लोग इस दुनिया में बहुत पड़े हैं, जाके उनके साथ रिश्ता जोड़िए। आप उम्र में बड़ी हैं, इसीलिए लिहाज कर रहा हूँ। आप अपने बेटे से कह देना कि आज की बात मेरी बेटी के पीछे ना पड़े। और एक बात याद रखना, अगर उसने दोबारा ऐसी कोई गलती की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। दीदी, दीदी, हे भगवान, क्या कर रहा है महेश? नहीं नहीं कुछ नहीं माँ।
वो नरसिम्हा तो हमारे पीछे ही पड़ गया। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ यार टार्जन, हम कुछ ज्यादा ही शरीफ बन गए। इस नरसिम्हा का नेटवर्क बहुत ही तगड़ा है। अगर हम लोग इस शहर में रहे तो उससे बचना नामुमकिन है। क्या बोल रहे हो यार, तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे हम ही लोगों ने मिलकर उसे जान से मारा है। भाई हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं, वो कैसा इंसान है ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। पहले से अब तक जो भी कुछ हुआ उसमें अपना हाथ नहीं है। हम फंस गए हैं यार, हम इसमें इतना उलझ गए हैं कि बचकर निकलना मुश्किल लग रहा है यार। एकदम सही कह रहा है यार तू, कुछ दिनों के लिए हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। ए, अगर हम उससे डर कर छिप गए तो वो हमें नामर्द समझेगा, और हम लोग नामर्द नहीं है, उसके सामने जाएंगे। हमारा तो आगे पीछे कोई नहीं है, हमें कुछ हो जाए तो चलेगा, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हुआ तो तुम्हारी माँ जो तुम्हें देखकर जिंदा है उस बेचारी का क्या होगा, और तुझे प्यार करने वाली पूर्णी का क्या होगा। महेश, 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 मामू क्या हुआ, बोलो कुछ तो बोलो मामू, तुम्हारी मामू माँ को क्या हुआ बताओ, मामू माँ को क्या हुआ कुछ बोलो, क्या हुआ है माँ को। माँ तू मुझे नहीं छोड़ सकती माँ, नहीं छोड़ सकती माँ। खो गया मेरा सब, किसे को क्या कहूँ, माँ नहीं जो मेरी कैसे मैं जीऊँ, माँ तेरे अंजाम का मैं ही पाप हूँ रे। ओ माँ तू नहीं तो कुछ नहीं, ओ माँ छोड़ कर तो क्यों गए। But
बस तुम्हारे छांव के तुमसे रोशन था दिया। तू गई बुझ गया वो दिया। सब किसको क्या कहूं, मां नहीं जो मेरी कैसे मैं जीऊं। मां तेरे अंजाम का मैं ही पाप हूं। धीरज रखो नरसिम्हा, मामले के बारे में पता चला फिर भी क्या कर सकते हैं। उस दिन पार्टी की मीटिंग के लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ गया। देखा जाए तो तुम्हारे भाई की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं है, उसे मारा गया है। सत्या, उस दिन जो कुछ भी हुआ था वो सब बताओ। भाई, आपके भाई को मारने वाला और कोई नहीं, टार्जन ही है। हाँ भाई, मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं उसे रोक ही नहीं पाया। क्या कहूँ भाई, मेरी आंखों के सामने उसने भाई को मार दिया और मैं कुछ नहीं कर पाया। मेरा खून सच में खौल रहा है भाई। टार्जन! बोल, खून किसने किया? मैं नहीं जानता सर। नहीं जानता? सच बोल रहा हूँ सर, मुझे नहीं पता। मैं झूठ बोलता है? मत मारिए, बोल। मत मारिए सर, झूठ बोलता है। सच बोल वरना तेरी। पुलिस को तूने समझ क्या रखा है बे? हमारी आंखों में धूल झोंकेगा? नहीं सर। क्राइम करते हो तुम लोग, पब्लिक गाली देती है हमें। मुझे छोड़ दीजिए सर। बसवराज सर, डंडे में तेल लगा, उसके बाद मिर्ची पाउडर। आज मैं इसके अंदर से सच बाहर निकलवाऊंगा। सच तो इसका बाप भी बोलेगा। ठीक है सर। सर मुझे मत मारो, मैं सब कुछ सच सच बताता हूँ आपको। चल बोल।
प्लान तो कमाल का है। अब तू ये बता, सुपारी किसने दी? मैं नहीं जानता सर। बोल। मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं नहीं जानता। मेरी बहन की शादी थी सर, इसीलिए मैंने टार्जन से पैसा मांगा। टार्जन ने पैसा दिया और मैंने उसको अपनी बाइक दे दी। मैं बस इतना ही जानता हूँ सर। ए बसवराज। यस सर। इसे गाड़ी में बिठा। ओके सर। और टार्जन का पता निकाल इससे। ठीक है सर। ए चल सर, अब तो सब कुछ बता दिया, अब मुझे छोड़ दो। सर ये एमएलए कृष्णप्पा की इन्वेस्टिगेशन फाइल है। गुड, वेरी गुड। थैंक यू सर। गुड लक यू। जय हिंद सर। डीजीपी अशोक कुमार, एमएलए कृष्णप्पा के मर्डर केस की वजह से पुलिस वालों ने गैराज को लॉक कर दिया क्योंकि उसने सारा सच उगल दिया। उसके बाद पुलिस वालों ने टार्जन को ढूंढना शुरू कर दिया। ए दीदी, ए दीदी, इधर आओ। ए दीदी, मुझसे देखा नहीं जा रहा। ये लो, महेश को फोन करो जल्दी। थैंक यू मंजू। हाँ बोलो। हेलो महेश। हम बोलो ना पूर्णी। महेश। पूर्णी, मेरे पापा ने मुझे रूम में बंद करके रखा है। लगता है मेरी शादी किसी और से करवा देंगे। प्लीज महेश, मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो प्लीज। महेश, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं सच में मर जाऊंगी। पूर्णी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं अभी आ रहा हूँ। पूर्णी के पापा उसकी शादी करवाना चाहते हैं और इसीलिए उसे रूम में बंद करके रखा है। मैं अभी जाकर उसे लेकर आता हूँ मामा। टार्जन, तुमसे एक बात मैंने छिपाई। कौन सी बात मामा? ऐसी क्या बात है? तेरी माँ की मौत की वजह उसका बाप है। ये तुम क्या कह रहे हो मामा? हाँ बेटा, तुम्हारे रिश्ते की बात करने हम दोनों उसके घर गए थे। मैं भी एक पिता हूँ और अपनी बेटी के भविष्य को अच्छे से समझ सकता हूँ। मैं अपनी बेटी की शादी क्या किसी गुंडे से कराऊंगा? ये आप क्या कह रहे हैं? आज नहीं तो कल कब कहाँ वो लाश बनकर सड़क पर पड़ा मिलेगा। और ऐसे गुंडे के लिए आप मेरी बेटी का रिश्ता मांगने आई हैं? लोगों को धमकाना, डराना, खून खराबा करना, ये भी कोई जिंदगी है? उसने दीदी को हद से ज्यादा जलील किया, उसी सदमे के कारण उनको हार्ट अटैक आ गया। ये बात मैं तुम्हें बता देता तो पता नहीं तुम क्या क्या करते, इसीलिए नहीं बताया। पूर्णी, कितनी सुंदर लग रही हो। ठीक है, जल्दी से तैयार हो जाओ, लड़के वाले आते ही होंगे। पूर्णी, क्या बात है? बिना पूछे अंदर घुस रहा है? पूर्णी, पूर्णी, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, चलो बाहर निकलो। पूर्णी, ए, जाता है कि नहीं? हाँ पूर्णी, पूर्णी, महेश, चलो चले यहां से। पूर्णिमा, ऐसा मत करो। पूर्णी चलो। पूर्णी, मेरा दिल तुम मेरे सांसें बन गए।
से जीवन में आए हो तुम, झूम उठायो दिल ये मेरा, प्यार की बारिश जो लाए हो तुम, मेरा दिल तुम मेरी सांसें बन गए हो मेरी जान तुम, यूं मिले हम धीरे धीरे बन गए हो मेरा प्यार तुम। वो देखो टार्जन। अपनी महबूबा के साथ आ रहा है। पुर्णी महेश। पुर्णी चलो मेरे साथ। महेश महेश मारो उसे। Hey!
भाई मुझे छोड़ दो भाई। मेरी बेटी और भाई की मौत का जिम्मेदार तू है, तुझे ऐसे ही छोड़ दूं क्या? कविता और मेरे बारे में आपने जो सोचा वो गलत है भाई, आपके भाई को भी गलत फहमी हो गई थी और वो भी इसी तरह अपनी गलती से ही मरा, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है भाई। इसके आगे एक शब्द मत बोलना। आप गलत कर रहे हैं भाई। Tarzan, stop! अगर तू जरा भी हिला तो तुझे शूट कर दूंगा। टार्ज़न सरेंडर कर दे। ये गलती मत करना। महेश। टार्ज़न, बस एक बार बता दे, एमएलए कृष्णप्पा को मारने की सुपारी किसने दी थी? बोल टार्ज़न। कम ऑन टार्ज़न, टार्ज़न, कम ऑन टार्ज़न, बोलो टार्ज़न। ये वो टार्ज़न है? हाँ हाँ, ये वही टार्ज़न है जो मौत के मुंह से बचकर वापस आया। एसीपी की गोली भी उसका सीना नहीं चीर पाई, वो इतना ताकतवर है। टार्ज़न जिंदा है, ये बात धर्मा को पता चल गई। नमस्ते, नमस्ते भाई। भाई भाई, ये लड़के हर काम करने के लिए तैयार हैं। हमें मारने के लिए उसने गुंडे भेजे।
ये पूरे 2 लाख रुपए हैं, किसी तरह की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जब तक आप हमारे साथ है ना भाई, तब तक ऐसा कोई काम नहीं जो हम ना कर सकें। मैं हमेशा तुम जैसे लोगों के पीछे हिम्मत बनकर खड़ा रहता हूँ। चलता हूँ भाई। उनके गुंडों ने हमारे 2 लड़कों को मार दिया, इस वजह से मैं टार्जन को लेकर मैसूर चला गया। माँ और पूर्णिमा की मौत का जिम्मेदार खुद को समझकर उसने खुदकुशी करने की भी कोशिश की। उसने चामुंडी डैम से छलांग लगाई, लेकिन चामुंडी देवी ने उसे बचा लिया। कोई शक्ति ही थी जिसके दम पर वो हॉस्पिटल से बच निकला। टार्जन अपनी जिंदगी में सब कुछ खो चुका था और मुझे भी जिंदगी से नफरत हो गई थी। मैं टार्जन को लेकर नदी के पास रहने लगा। हम वही मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करने लगे। उसको खिलाना पिलाना, उसकी देखभाल करना, सब कुछ मेरी जिम्मेदारी थी जिसे मैं पूरी तरह निभा रहा था। जब मैं बाजार गया तो वापस आकर देखा वो रस्सी तोड़कर भाग चुका था। मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की पर वो मुझे नहीं मिला, क्योंकि गुंडों ने उसे बहुत मारा और नदी के पास फेंक दिया। ठीक है, मैं चलता हूँ। तुम दोनों पर हमेशा भगवान का आशीर्वाद रहेगा। थैंक यू सर, आपने हमारी जो भी मदद की उसके लिए थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। अरे मुंह धोले। चल, हाँ डुबकी लगा। धर्मा, तेरी वजह से मैं अपनी माँ, पूर्णी, सब कुछ खो चुका हूँ, और अगर तुझे ही छोड़ दिया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा।